आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिवसीय गोरखपुर दौरे पर हैं, जहां दौरे के दूसरे दिन सीएम योगी गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी जनता दर्शन कार्यक्रम लगाएंगे, जहां दूर दूर से आए फरियादियों की फरियाद सुनेंगे। इस दौरान मौके पर कई अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज गोरखपुर जाएंगे, जहां अखिलेश यादव अपने पीजीए फॉर्मूला के जरिए बड़े वोट बैंक पर निशाना भी साधेंगे। बताया जा रहा है कि सहजनवा के शारदा प्रसाद रावत कॉलेज में नाई महासभा की ओर से कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली का आयोजन किया जाएगा। इस महारैली में शामिल होने के लिए अखिलेश सुबह 10 बजे गोरखपुर पहुंचेंगे और अखिलेश यादव रैली को संबोधित करने के बाद पूर्व विधायक यशपाल रावत के घर पर पत्रकारों से बातचीत भी करेंगे। इससे पहले रैली में अखिलेश पूर्वांचल समेत पूरे सूबे में गैर यादव ओबीसी वोटों को अपनी ओर साधने का पूरा प्रयास करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेटियों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि बेटियों की सुरक्षा हमारी सरकार की पहली प्राथमिकता है और उन्होंने कन्या सुमंगलम योजना और सामूहिक विवाह योजना के बारे में भी बताया। साथ ही उन्होंने महिला पुलिस के भर्ती को बढ़ाया और महिला शिक्षकों की भर्ती को बढ़ाने की योजना भी बताई। इसके अलावा उन्होंने विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बेटियों की सुरक्षा डबल इंजन की सरकार की पहली प्राथमिकता है। अगर बेटियों की सुरक्षा में किसी ने सेंध लगाने की कोशिश की तो उसकी दुर्गति रावण और कंस जैसी होगी। बेटी के प्रति अपनी जवाबदेही का निर्वहन करते हुए किस रूप में सरकार कार्य कर रही है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना इसका उदाहरण है। अब तक राशि 15,000 की थी, इसमें 6 चरणों में बेटी के जन्म लेने पर, बेटी के पहली क्लास में जाने पर, बेटी के 1 वर्ष के होने पर, बेटी के पहली कक्षा में जाने पर, बेटी के 6ठी कक्षा में जाने पर, बेटी के 9वीं कक्षा में जाने पर और 9वीं कक्षा के बाद आगे की पढ़ाई हो, कोई सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स हो, इन सब के लिए 15,000 रुपए की राशि हम लोग पहले दे रहे थे, अब नए सत्र में हम इसको 25,000 रुपए करने जा रहे हैं। बेटी शादी ब्याह के योग्य हो गई तो बेटी को 51,000 रुपये मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में देने का प्रावधान किया गया है। यह सरकार के स्तर पर लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रधानमंत्री मोदी जी के अभियान को ही मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का क्रम है और आज उसी के प्रति आश्वस्त करने के लिए मैं एक बार फिर क्रांति धारा पे आकर के आप सबको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। सरकार ने जो काम प्रारंभ किया है सुरक्षा का, सम्मान का और स्वावलंबन का, वह अनवरत चलेगा और मैं इस बात के लिए फिर कहने के लिए आया हूं, बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। अब तो रावण और कंस जैसी दुर्गति तो तय है, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए किसी को भी। शुक्रवार की देर रात राजधानी में भूकंप के झटके महसूस किए गए। झटके इतने तेज थे कि लोग घरों से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि 3 मिनट के अंदर कई बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। लखनऊ से सटे हुए बाराबंकी, सीतापुर, रायबरेली, हरदोई तक के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप का केंद्र नेपाल बताया जा रहा है। वहीं लखनऊ के अतिरिक्त दिल्ली, NCR, बिहार सहित अन्य जिलों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं और भूकंप की तीव्रता करीब 6.4 बताई जा रही है। फिलहाल यूपी से कहीं से भी जानमाल का कोई नुकसान की खबर नहीं सामने आई है। अपना दल कमेरावादी पार्टी का आज स्थापना दिवस है। बताया जा रहा है कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में सुबह 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जिसमें अखिलेश यादव चीफ गेस्ट के रूप में शामिल होंगे। साथ ही कार्यक्रम में कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल समेत कई नेता भी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्मॉग और धुंध के संकट का असर उत्तर प्रदेश में भी अब देखने को मिल रहा है। नोएडा गाजियाबाद में हालात गंभीर हैं और लोगों को सड़क पर दिन में भी रोशनी का सहारा लेना पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है, जिसकी वजह से प्रदेश के तापमान औसत रहने का अनुमान है। प्रयागराज में 18.8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है, फुर्सतगंज में 27.2, बहराइच में 19.2, तो वहीं बरेली में 17.6, गोरखपुर में 18.6 और झांसी में 18.8, लखनऊ में 19.4 और मेरठ में 26.2 रहने का पूर्वानुमान है। साथ ही मौसम विभाग ने यह भी बताया कि लखनऊ और आसपास के इलाकों में सुबह के समय धुंध रहेगी और दिन में आसमान साफ रहने का अनुमान है। देश भर में इन दिनों प्याज के दाम आसमान छू रहे हैं, जहां लखनऊ के बाजारों में भी प्याज 200 रुपए से लेकर 250 रुपए किलो तक मिल रही है और कहीं कहीं पर प्याज 150 रुपए किलो मिल रही है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि मिठाई वाला चौराहा गोमती नगर शालीमार चौराहे पर सस्ते प्याज की वैन सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक लगेगी, जिसमें NCCF की तरफ से 25 रुपए प्रति किलो प्याज लोगों को दिया जाएगा। हरदोई में सांडी थाना क्षेत्र के अंटवा गांव में दबंगों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटकर घायल कर दिया, जिसके बाद गंभीर रूप से घायल युवक को इलाज के दौरान जिला अस्पताल से कानपुर हेलेट में रेफर किया गया, जहां युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने गांव के ही 4 लोगों पर लाठी डंडों से पीटने का आरोप लगाया और थाने में तहरीर भी दी है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।